आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको वाई से शुरू होने वाले 50 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताएंगे जो कहीं पर आपको नहीं मिलता है। तो फर्स्ट वर्ड है येलो बॉय, वाई डबल एल ओ डब्ल्यू बी ओ वाई। येलो बॉय मतलब होता है सोने की मुहर। देखिए इस वीडियो में हमने वाई से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं तो इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होता है, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमने सब जाँच करके दिया हुआ है। सेकेंड वर्ड है यूथफुली, यूथफुली मतलब होता है युवक की तरह। अगला है येस्टी, वाई एस टी वाई, येस्टी मतलब होता है झागदार, वाई एस टी वाई, येस्टी मतलब झागदार। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी वर्ड जानने के लिए आप वर्ड वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला है यू की, वाई यू सी के वाई, वाई यू सी के वाई, यू की मतलब होता है घटिया, घटिया। आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए ध्यान से, आप भी सीख जाइएगा। नेक्स्ट वर्ड है येलो बेली, वाई डबल एल ओ डब्ल्यू बी ई डबल एल वाई, येलो बेली। येलो बेली मतलब होता है पीला पेट, येलो मतलब पीला, बेली मतलब पेट, येलो बेली मतलब पीला पेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है योलकी, वाई ओ एल के वाई, इसको पढ़ेंगे योलकी। योलकी मतलब होता है जर्दीदार, योलकी, योलकी मतलब होता है जर्दीदार। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है यापी, यापी सात नंबर में है, वाई ए डबल पी वाई, वाई ए डबल पी वाई, यापी, यापी पढ़ेंगे इसको, यापी, यापी मतलब होता है गप्पी आदमी, जो ज़्यादा गप करता है। अगला वर्ड है या वे, या वे, इसको पढ़ेंगे ध्यान से समझिए, या वे, वाई ए डब्ल्यू ए वाई, या वे, या वे मतलब रास्ता भूला हुआ, रास्ता भूला हुआ उसको बोलेंगे या वे। अगला वर्ड है येल्लोली, येल्लोली, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येल्लो एल वाई ली, येल्लोली, येल्लोली मतलब पीला सा। देखिए किसी भी बड़े से बड़े वर्ड्स को पढ़ने के लिए आप उसको संधि विच्छेद कर दीजिए, तोड़कर छोटा छोटा टुकड़ा में पढ़िए। अगला है योन एन एस टी, योन एन एस टी, वाई ओ ए एन ए वाई एन ए एस टी वाई, इसका अर्थ होता है युवा राजवंश, युवा राजवंश। नेक्स्ट वर्ड है याक अवे, 11 नंबर में है याक अवे, वाई ए सी के याक, ए डब्ल्यू ए वाई, याक अवे, याक अवे मतलब दूर भागना। कुल इसमें 50 वर्ड दिए हुए हैं, आप लास्ट तक जरूर देखिए। यार ले, वाई ए आर ई एल वाई, यार ले, यारली मतलब जल्दी, वाई ए आर ई एल वाई, यारली मतलब होता है जल्दी। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यमी, यमी, वाई यू डबल एम वाई, वाई यू डबल एम वाई, यमी, यमी मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, यमी मतलब स्वादिष्ट। ध्यान से आप इसको प्रोनाउंसिएशन कीजिए, यमी। नेक्स्ट है यंग लेडी, यंग लेडी, वाई ओ यू एन जी यंग, वाई ओ यू एन जी यंग, एल ए डी वाई लेडी, यंग लेडी। हम हटाकर सेंटेंस दिए हुए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, इसका मतलब होगा नौजवान लड़की। ईयरली, ईयरली, वाई ई ए आर एल वाई, ईयर में एल वाई जोड़ दिए हैं, ईयरली, वाई ई ए आर एल वाई, ईयरली मतलब वार्षिक, आप बोल सकते हैं मंथली, मंथली मतलब मासिक। इसी प्रकार से है योर सिंसियरली, लेटर लिखने में हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं, योर सिंसियरली, वाई ओ यू आर, योर एस आई एन सी ई आर ई एल वाई, योर सिंसियरली मतलब सादर, सादर। अगला है येल्डिंग, वाई आई ई एल डी आई एन जी, वाई आई ई एल डी आई एन जी, इसको पढ़ेंगे येल्डिंग, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से करिए, अनिच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक। अगला वर्ड है यंगर बॉय, यंगर बॉय, वाई ओ यू एन जी ई आर, यंगर बी ओ वाई, यंगर बॉय छोटा लड़का, अब इसी में जोड़ सकते हैं यंगर गर्ल छोटी लड़की। अगला है योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, तो वाई ओ यू आर योर, वाई ओ यू आर योर, एम ए जे ई एस टी वाई, मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, हे राजन मतलब राजा को पुकारने के लिए योर मैजेस्टी। 20 नंबर में है यूथ एक्टिविटी, वाई ओ यू टी एच यूथ, ए सी टी आई वी आई टी वाई, यूथ एक्टिविटी, इसका अर्थ होगा युवाओं की तरह, युवाओं की तरह।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है यंगस्टर YOUNGSTER यंगस्टर 21 में है। यंगस्टर मतलब होता है लड़का, यंगस्टर या छोकरा। चलिए अगला है यस, ये तो आपको पता ही होगा, यस YES इसको पढ़ते हैं यस। इसका ज़्यादातर यूज हमें आते ही रहता है डेली का, लगभग 5 से 6 बार या दिन में बहुत ज़्यादा बार आ जाता है। यस मतलब होता है हाँ, जवाब देना होता है किसी को, हाँ तो बोलते हैं यस। अगला है ईस्टीनेस YEAS ESTINESS ईस्टीनेस, खराश, जैसे क्या होता है गले में खराश हो जाता है, इसको बोलेंगे ईस्टीनेस, खराश। अगला है यका, ध्यान से पढ़िए यका YACA यका, यका मतलब सदाबहार वृक्ष या सदाबहार वृक्ष। चलिए अगला है यावल YAWL यावल बोलते हैं मछली पकड़ने की नाव को, जिस नाव से मछली पकड़ा जाता है उसको बोलते हैं यावल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है येलो विश 25 नंबर में YELLOW येलो WISH विश, तो येलो विश मतलब हल्का पीला, हल्का पीला। चलिए नेक्स्ट है हमारा यर्क YERK आकस्मिक झटका, यर्क मतलब आकस्मिक झटका, मतलब अचानक जो झटका लगता है उसी को बोलते हैं आकस्मिक झटका। चलिए नेक्स्ट है यस्टरडे आप में से ज़्यादातर को पता ही होगा YESTERDAY यस्टरडे बीता हुआ कल, जैसे कि जो चला गया उसको बोलेंगे यस्टरडे, बीता हुआ कल। 27 में था यस्टरडे। नेक्स्ट है याहो 28 में है याहो YAHOO याहू मतलब होता है हैवान, याहू हैवान इसको बोलते हैं याहू। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है याप YAAP याप, याप मतलब होता है भौंकना, जैसे कुत्ता भौंकता है तो वो भौंकना हो गया याप, उसको इंग्लिश में बोलेंगे याप। नेक्स्ट वर्ड है याम मतलब होता है जीमी कंद, याम मतलब होता है जीमी कंद। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यार्न, ये भी आप में से बहुत सारे को पता ही होगा YARN यार्न मतलब होता है धागा, कपड़े सिलाई का जो धागा होता है उसी को बोलते हैं यार्न मतलब धागा YARN अगला है युफ्ट YUFT इसको पढ़ेंगे युफ्ट मतलब होता है रूसी युफ्ट मतलब रूसी। नेक्स्ट वर्ड है यान YAN यान मतलब झटका देना, जर्क मतलब भी वही होता है झटका देना। हमने कई सारे वर्ड्स इस चैनल पर डाले हैं, आप देख सकते हैं जाकर के। अगला है योर मतलब होगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, कोई भी वर्ड का मीनिंग हो सकता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। 35 नंबर में है योर सेल्फ YOURSELF योर सेल्फ आप ही, या कभी कभार इंट्रोडक्शन में पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में बताइए। यूथफुल YOUTHFUL यूथफुल मतलब होता है युवा, यूथफुल मतलब होता है युवा। नेक्स्ट वर्ड है यूथ YOUTH यूथ मतलब होगा जवानी, यूथ मतलब होगा जवानी YOUTH यूथ मतलब जवानी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है YOUNGER यंगर, इससे पहले भी आया था यंगर बॉय, उसी प्रकार से यंगर YOUNGER यंगर मतलब होता है छोटा। अब इसी प्रकार से आ जाएगा यंगर बुआ, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, तो छोटा भाई, छोटा बहन, छोटा लड़का, आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो। 39 में है यू के बारे में आपको पता ही होगा, बचपन से ट्रांसलेशन आप पढ़ते होंगे तो यू का यूज़ आता है YOU यू मतलब तुम, आप, तुम लोग या आप लोग।
ये सारे मीनिंग्स होते हैं। अगला है योकल, वाई ओ के ई एल, योकल, वाई ओ के ई एल, योकल मतलब होता है देहाती या मूर्ख, देहाती मूर्ख, जिसे ग्रामीण लोग जो होते हैं उसको बोला जाता है देहाती मूर्ख, वही योकल, देहाती मूर्ख, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। यक्स, वाई एक्स, यक्स, यक्स मतलब हिचकी, वाई एक्स, यक्स, यक्स मतलब होता है हिचकी। देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक वर्ड का कई सारे मीनिंग होता है, इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, हमने सब जांच करके दिया है। अगला है येट, वाई टी, येट, वाई टी, येट, येट मतलब होता है फिर भी, फिर भी, येट फिर भी। चलिए अगला चलते हैं 43 में, यो मैन, यो मैन, यो मैन, वाई ओ एम ए एन, यो मैन, यो मैन मतलब भूमि धर, भूमि धर। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स पर चलते हैं, अगला वर्ड हमारा है येल्प, येल्प, वाई एल पी, येल्प, येल्प मतलब चीखते हुए भौंकना, इससे पहले पढ़े थे भौंकना, चीखते हुए भौंकना मतलब चिल्ला करके भौंकना, उसी को बोलेंगे येल्प। अगला वर्ड हमारा है येल, 45 में येल, वाई डबल एल, येल, जोर की चिल्लाहट, जोर से कोई जब चिल्लाता है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में येल, जोर की चिल्लाहट, वाई डबल एल, येल मतलब जोर की चिल्लाहट। अगला वर्ड है इयरिंग, इयरनिंग, वाई ए आर एन आई एन जी, इयरनिंग, इयरनिंग मतलब होता है इच्छा, इसको अर्निंग नहीं समझिएगा, अर्निंग में ई आर होता है, ई ए आर एन आई एन जी, अर्निंग मतलब कमाना होता है। अगला वर्ड है यर्न, वाई ए आर एन, यर्न मतलब होता है लालसा होना, किसी चीज़ का इच्छा होना, लालसा होना, इसी को येन पढ़ते हैं। 47 में है, अब मात्र 3 वर्ड और बचा हुआ, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हमने 50 वर्ड बताया है। अगला है यार्ड, यार्ड, वाई ए आर डी, यार्ड, यार्ड आंगन को बोलते हैं, या गज, जिसे क्या बोलते हैं, 1 yard मतलब 1 गज, 2 yard 2 गज, तो आंगन को भी यार्ड बोलते हैं और गज को भी यार्ड बोलते हैं। 49 में है यंकी, यंकी, वाई ए एन के डबल ई, यंकी, यंकी, अमेरिकी, अमेरिकी को बोलते हैं यंकी, यंकी भी बोलते हैं, अमेरिकन भी बोलते हैं, तो यंकी, अमेरिकी। और लास्ट और 50 नंबर में हमारा वर्ड है ये, ये, जब खुशी से बोलते हैं ये, वाई ए वाई, ये, वाह, ये। तो इस प्रकार से वीडियो समाप्त होता है, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।